नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। जी हाँ, CET, और जिसके लिए हमारी सरकार ने NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है। तो इस टेस्ट को कौन कौन दे सकते हैं, इस टेस्ट को आप कितने बार दे सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, आपको हम बताने जा रहे हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके मन के अंदर सबसे पहला सवाल ये होगा कि CET है क्या। CET है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एक कॉमन टेस्ट देना होगा अब आपको, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो या बैंकिंग हो, इन सब के लिए अब आप एक ही टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ एक टेस्ट से, समझ रहे हो आप। लेकिन आप ये बात भी जानते होंगे कि कई एजेंसीज, कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो Tier 2 और Tier 3 भी कंडक्ट करते हैं, कई करते हैं और कई नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनमें इस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, और जो करते हैं वो एजेंसीज अपना खुद करवाएंगी उस एग्ज़ाम को Tier 2 और Tier 3 वाले को। फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे देख लीजिए, रेलवे अगर अपना प्री के बाद मेंस करवाना चाहती है तो मेंस रेलवे खुद कराएगी, जो प्री होगा वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर ही आएगा। तो आइए अब जानते हैं इस एग्ज़ाम को कौन कौन लोग दे सकते हैं, इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए आपको। तो देखिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं होगी, मिनिमम एज लिमिट होगी। जब ये एग्ज़ाम होगा तब उसके बारे में बता दिया जाएगा। बाकी जो इसे देने की बात है तो इसे 3 लेवल पर करवाया जाएगा। एक तो कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए अलग होगी, और 12th पास आउट के लिए और 10th पास आउट के लिए अलग होगी। तो बेसिकली 3 लेवल्स पर होगी, 10th पास आउट के लिए अलग, 12th पास आउट के लिए अलग और कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए अलग। अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं, आप इसे कितनी बार दे सकते हो, आप इसे कितनी ही बार दे सकते हो, कोई अटैम्प्ट की लिमिट नहीं है यहाँ पर। और आप इस एग्ज़ाम को एक बार देने के बाद जो आपका स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। और अगर आप अपने स्कोर से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप जब भी ये एग्ज़ाम दोबारा हो तब आप इसे दे सकते हो। तो अब बात करते हैं CET के बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए, इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके डिस्ट्रिक्ट में होने के चांस अब बढ़ जाते हैं, क्योंकि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर ज़िले के अंदर एक एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर बनाया जाएगा। इससे आपका ट्रैवल कॉस्ट कम होगी और आपको सफ़र के वक्त जो दिक्कतें आती हैं वो कम हो जाएंगी आपका। और दूसरा, हम देखते हैं कि आप में से बहुत से लोग फॉर्म भरते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसका अधिक खर्च आता है। तो अब मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म के जो पैसे खर्च होते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, और वुमेन्स सेफ्टी भी होगी क्योंकि एक ही शहर के अंदर हो रहा है तो वुमेन्स को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा किसी भी अनजान सिटी के अंदर। और हम देखते हैं इसके अलावा प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो भी अलाउ करेगी CET के स्कोर को। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि एग्ज़ाम से पहले सरकार आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएगी, जिससे आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बेसिक आइडिया लग सके। क्योंकि ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस होगा तो इसमें चीटिंग के चांसेस तो लगभग समझ लीजिए ख़त्म ही हो जाएंगे। और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, और साथ ही इस एग्ज़ाम को मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर करवाया जाएगा, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर इसे करवाया जा सकता है। ये आपकी, आपको ऑप्शन दिया जाएगा आप किसके अंदर देना चाहते हैं एग्ज़ाम को। हाँ, तो एक बात और, CET को कंडक्ट कराने के लिए सरकार ने एक नई एजेंसी बनाई है, उसका नाम है NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये एजेंसी CET को कंडक्ट कराएगी, और जो CET की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक है उसका हमने डिस्क्रिप्शन में PDF दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।